जो स्नेक है वो उन्होंने catch कर लिया था अपने से पकड़ लिया था और फिर वो अपने घर लेकर के आए उनकी ग्रैंड मदर बहुत ज्यादा वरीड हो गई स्नेक को देख करके और चिल्लाने लगी हेल्प के लिए तो उनके ग्रैंड फादर आए नरेटर के और उन्होंने जो कोकोनट सेल था जिसमें स्नेक नरेटर पकड़ के राये थे तो उन्होंने उसको उनसे छीन करके फेंक दिया और जो स्नेक था वो छुप गया झाड़ियों में जा के राइट तो यहां तक हमने देखा था तो आज हम देखेंगे हमारे इसी चैप्टर द स्नेक बाइट का पार्ट टू ओके मतलब पार्ट टू एंड पार्ट थ्री ओके सो so, आगे की स्टोरी समझते हैं आगे क्या होता है सो लेटर इन द इवनिंग अब देखो अब शाम हो चुकी है इवनिंग का मतलब शाम सो आई टू कैच अ बी तो अब नरेटर क्या कर रहे हैं मधुमक्खी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं अभी मॉर्निंग में उन्होंने क्या किया था सांप को पकड़ा था अब वो एक बी को एक मधुमक्खी को पकड़ रहे हैं एंड मी ऑन माई फिंगर स्टंग का मतलब उसने काट लिया मधुमक्खी जो थी वो उसने काट लिया कहां पे? पे, पे. मार दिया मधुमक्खी ने सो आई पेन और मुझे बहुत ही एक ऐसे नुकीला सा ऐसे पेन एकदम ऐसे वो हो गया एकदम पेन दर्द हो गया मेरी उंगलियों में देन आई रैन टू ग्रैंड मदर एंड टोल्ड हर दैट आई है हाउ टू डू समथिंग टू स्टॉप द पेन देन उसके बाद जो नरेटर थे वो अपनी ग्रैंड मदर के पास दौड़े भागे एंड उन्होंने उन्हें बताया कि समथिंग उन्होंने बताया कि मुझे काट लिया है बिटन का मतलब मुझे काट लिया है एंड प्लीज आप कुछ कीजिए ताकि जो दर्द है ये कम हो जाए समझ रहे हो यहाँ पे तो अब ग्रैंड मदर थॉट दैट आई है स्नेक तो जो स्टोरी है वो यहाँ से शुरू हो रही है हमारी कि जो हम ग्रैंड मदर है उन्होंने सोचा कि ये जो काटा हुआ है ये जो डंक है ये मधुमक्खी उनके ख्याल में नहीं, नहीं था उन्हें पता ही नहीं क्योंकि नरेटर ने भी नहीं कहीं किया तो उन्हें लगा जो ये मॉर्निंग में अभी इसके पहले सांप पकड़ के ला रहा था वही सांप ने इसको काट लिया है सो शी कॉल्ड आउट ग्रैंड फादर तो ग्रैंड फादर को उन्होंने बुलाया कम एंड सी वॉट हैजेंड टू राजा तो वो उन्होंने चिखा और ग्रैंड फादर को बुलाया कि जल्दी आइए कम और देखिए कि राजा को क्या हो गया नाउ ग्रैंड केम एट तो लुक्टिंग आए फिर उन्होंने मेरी उंगली में देखा उंगली को देखा और उन्होंने देखा कि यहाँ पे ब्लू कलर का मार्क हो गया है ब्लू निशान पड़ गया नीला निशान ओके। विदाउट अ वर्ड बिना कुछ बोले ही रनिंग उन्होंने मुझे अपने बाहों में उठाया और वो दौड़ने लगे He ran across the garden and through the paddy fields. और वो दौड़ते गए घर से निकले गार्डन आया गार्डन के पास पैडी uh, हैं वो दौड़ते गए Then he ran and ran and did not stop until he reached a small house quite some distance away from our house. वो दौड़ते गए दौड़ते गए तब तक जब तक एक छोटा सा घर नहीं आ गया जो कि घर के थोड़े आ, हमारे घर के थोड़े से दूरी पे था उटेड फॉर अ मैन देर फिर उन्होंने कन्फ्यूजन एक, एक तो हो, right? हो गई कि स्नेक ने काटा है जबकि रियालिटी असलियत क्या थी एक हनी बी ने काटा हुआ था राइट right? उसने डंक मारा हुआ था बट ग्रैंड मदर कन्फ्यूज हो गई एंड ग्रैंड फादर जब आए तो उन्होंने कुछ ना पूछा ना कुछ यू नो कि कैसे हुआ क्या हुआ उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने सोचा कि uh, स्नेक है तुरंत इसको लेके भागे एक मैन के पास शायद ये उसका इलाज करेगा बेसिकली इसीलिए वहां पे भागे तो वो बिना कुछ कहे बस दौड़ते गए दौड़ते गए एंड दौड़ते गए ठीक है सो so, ये था हमारा पार्ट टू अब इसी के आगे हम पार्ट थ्री देखेंगे बट उसके पहले इस पार्ट टू के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं सो आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन वाई डिड द बी स्ट्रिंग राजा अब जो हानि भी मधुमक्खी उसने क्यों डंक मारा क्योंकि भाई राजा जो था उसके पीछे जा रहा था उसको पकड़ने के लिए कैच करने के लिए सो so बिकॉज राजा ट्राइड टू कैच इट अब राजा जो थे वो उसको पकड़ने के लिए अब पकड़ने जाओगे तो मधुमक्खी तो वही करेगी यार राइट सो वाई डिड राजा गो टू हिज ग्रैंड मदर अब राजा अपनी ग्रैंड मदर के पास क्यों गया क्योंकि मधुमक्खी ने उसको काट लिया था है ना तो वो गया था हेल्प के लिए कि कुछ करो कुछ लगा वगा दो ताकि ये जो दर्द है वो ठीक हो जाए सो बिकॉज ही वॉज इन पेन वो दर्द में था एंड वॉन्टेड हिज ग्रैंड मदर टू हेल्प हिम टू स्टॉप द पेन ताकि वो दर्द कम हो जाए देन वॉट डिड हिज ग्रैंड मदर थिंक वाई डिड शी थिंक सो अब ग्रैंड मदर ने क्या सोचा और क्यों सोचा तो ग्रैंड मदर थॉट दैट द स्नेक हैज बिटन राजा तो ग्रैंड मदर जो थी उन्होंने ये सोचा कि स्नेक ने काटा हुआ है बिकॉज रीजन ही टोल्ड हर दैट ही हैड बीन बिटन क्योंकि राजा ने ये बोला था कि मुझे काट लिया है राइट एंड बिकॉज ही बॉट स्नेक होम इन द मॉर्निंग अब सुबह ही स्नेक लाया तो उन्होंने उसको यू uh, नो you know, एक बात दूसरी बात ऐसे ज्वाइन कर ली कि काटा है तो सुबह स्नेक तो स्नेक ही काटा होगा राइट right? चलो सो so, अब है ट्रू फॉल्स वो भी देख लेते हैं सही गलत तो राजा ग्रैंड फादर वेरी वेरी टू सी ब्लू मार्क ऑन दी राजा फिंगर घबरा गए थेन राजा है यू नो उसके अपने घर से निकले गार्डन से निकले पैडी फील्ड्स ताकि वो जो स्मॉल हाउस वहां तक पहुंचे वो येस दिस इज ऑल्सो ट्रू देन राजा एंड हिज ग्रैंड फादर रैन टू कैच द बी दिस इज नॉट ट्रू फॉल्स

चलो तो अब आते हैं पार्ट थ्री पे ठीक है लास्ट पार्ट हमारे इस चैप्टर का तो ये देखते हैं अब क्या होता है ठीक है सो एन ओल्ड ग्रे हेड मैन केम आउट ऑफ हाउस अब वो जो घर पहुंचे वहां पे जो एक छोटा सा घर था तो वहां से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकल के आया ही न्यू दैट द क्योर ऑफ द स्नेक बाइट और वो जो आदमी था उसको पता था कि जो सांप का डसा हुआ है सांप के काटने का क्योर क्योर का मतलब कि उसका इलाज उन्हें पता था ठीक है सो ग्रैंडफादर फादर आस्ट हिम टू क्योर तो ग्रैंडफादर फादर जो थे उन्होंने उनसे बोला उस आदमी से कि मुझे क्योर करो ठीक है मुझे ये जो सॉरी ये जो राजा है इसके जो वाउंड है जो उसको काट लिया है उसका इलाज करो द ओल्ड मैन टुक मी इन साइड तो जो ओल्ड मैन था वो मुझे लेकर के अंदर गया He looked at my finger and then asked me to sit down and not to move. अब देखो जो ओल्ड मैन था उसने मुझे देखा ठीक है मेरी फिंगर जो मेरी उंगली में जो आ, ये जो काट लिया था उसने उसको देखा and उसने मुझसे बोला sit down, बैठो और हिलना मत do not move ओके okay? so I sat on grandfather's lap. अब मैं अपनी grandfather ठीक है जिनके साथ वो गया था तो उनकी गोद में lap का मतलब गोद ठीक है उन्हीं के गोद में जा करके बैठ गया द ओल्ड मैन देन टुक सम वाटर इन अ स्मॉल ब्रास वेसल अब वो जो ओल्ड मैन था ठीक है वो जो आदमी था बूढ़ा आदमी उन्होंने क्या किया कि वो उन्होंने स्मॉल ब्रास बेसिकली ब्रास वेसल जैसे आ, छोटे से एक कॉपर का बर्तन ठीक है उसमें उन्होंने कुछ पानी लिया सैट इन फ्रंट ऑफ अस एंड स्टार्टेड रिसाइटिंग सम मंत्रास अब देखो वो हमारे सामने बैठा वो जो पानी लेकर के और फिर वो कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगा ठीक है मंत्रों से वो ठीक कर रहा था तो आई वॉन्टेड टू टेल हिम अब मैं बताना चाहता था जो नरेटर राजा है दैट इट वॉज अ बी एंड नॉट अ स्नेक यस अब वो बताना चाहते थे नरेटर कि ये जो है मधुमक्खी थी सांप नहीं था साप ने नहीं काटा है मुझे ने अपना डंक मारा है बट ग्रैंड मी टाइट एंड नॉट अलाउ ट्रादर थे उन्होंने मुझे ऐसे कस के पकड़ के रखा हुआ था टाइटलीस के एंड मुझे बात ही नहीं करने दे रहे थे ग्रांड मदर टोल्ड है अब जो ग्रैंड मदर थी वो तब तक आ चुकी थी वहां पे अराइव का मतलब आना ठीक है आ चुकी थी एंड सम अदर पीपल विद और उन्हीं के साथ कुछ और लोग भी आए थे जैसे आस पड़ोस के आ गए होंगे सुन करके कि सांप काटा है ना दे लुक सैड एंड साइलेंटली वॉचड मी और वो बहुत ही ज्यादा सैड लग रहे थे उदास लग रहे थे और साइलेंटली मतलब चुपचाप मुझे ऐसे देख रहे थे वॉच okay? मी मुझे देख रहे थे बाय दिस टाइम द पेन इन माई फिंगर हैड स्टॉप्ड बट इस टाइम तक मेरी उंगलियों में जो दर्द था वो रुक गया था स्टॉप का मतलब रुकना ठीक है बट स्टिल आई भी मुझे बैठना पड़ रहा था वहां पे क्यों क्योंकि मुझे बचाया जा रहा था ना सांप के काटने से मुझे बचाया जा रहा था जो जहर आ गया है मेरी बॉडी में सांप के काटने का उसका इलाज चल रहा था समझ रहे बट जो रियलिटी कुछ और थी असलियत में तो भाई एक हनी भी ने काटा था मधुमक्खी ने चलो आफ्टर अ फ्यू मिनट्स कुछ मिनटों के बाद द ओल्ड मैन अप जो ओल्ड मैन थे वो खड़े हुए वॉच माई फिंगर एंड गेव मी सम वाटर टू ड्रिंक मेरी उंगलियों को उन्होंने वॉश किया धोया और फिर कुछ पान पानी दिया मुझे पीने के लिए ही आस्क मी टू कीप क्वाइट फॉर सम मोर टाइम और उन्होंने बोला आप थोड़े टाइम के लिए और चुप रहिए ठीक है देन ही टर्न टू ग्रांड फादर एंड से फिर उन्होंने ऐसे टर्न लिया ग्रैंड फादर की तरफ वो घूमे टर्न ग्रैंड फादर की तरफ और उन्होंने बोला थैंक गॉड यू गॉट राजा इन टाइम उन्होंने बोला भगवान का शुक्र है कि आप राजा को समय से ले आए वक्त रहते ले आया आप ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ अब वो खतरे से बाहर है बट रियालिटी ये थी खतरा था ही नहीं क्योंकि तो सांप ने तो काटा ही नहीं था ही पॉइजनस स्नेक दैट हैज तो उन्होंने तो बोला कि ये बहुत ही जहरीला सांप था जो राजा को काटा हुआ था ठीक है पॉइजनस का मतलब जहरीला ठीक है सो ग्रैंडफादर फादर ग्रैंड मदर एंड ऑल अदर थैंक् टू दी ओल्ड मैन फॉर द मैजिक क्योर तो सारे जो थे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर बाकी के लोग उन्होंने उनका धन्यवाद किया ये जो उन्होंने अपने आ, इलाज से मुझे ठीक कर दिया सो ऑन रिटर्निंग होम घर आते हुए जो ग्रैंड थे उन्होंने उनको गिफ्ट भिजवाए ठीक है गिफ्ट भिजवाए सो so, ये शंकर हैं इन्होंने ये स्टोरी लिखी बेसिकली जो नरेटर है ठीक है अब देखो अब हमें क्या लेसन मिलता है इस स्टोरी से ये स्टोरी आप समझ गए बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी तो उससे लेसन हमें ये मिलता है शिक्षा हमें ये मिलती है कि कभी भी किसी पे आग बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए जैसे इन्होंने इस बूढ़े आदमी पे किया राइट और हमेशा चाहे कोई सिचुएशन जैसी भी हो हमेशा हमें चीज़ों को समझना चाहिए पहले सारी बातें सुनना चाहिए फिर शांत मन से रिएक्ट करना चाहिए ऐसा नहीं कि आपने बस देखा कि कुछ काट लिया है तो बिना कुछ सोचे समझे लेके भाग गए पहले उससे पूछना चाहिए क्या काटा है क्या हुआ है राइट पूरी बात जाने बिना हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए तो ये हमें इससे बहुत बड़ा लेसन मिलता है चलो तो इसके भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं कर लेते हैं हम सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वॉट व्हाट डिड ग्रैंडफादर टेल टू दी टेल द ओल्ड मैन टू डू अब ग्रैंडफादर ने उस ओल्ड मैन को क्या बोला सो ग्रैंडफादर टोल्ड द ओल्ड मैन टू क्योर राजा फॉर स्नेक बाइक तो उन्होंने बोला कि ये जो सांप uh, काटा हुआ है इसका क्योर कीजिए ठीक है बचाइए राजा को सो वॉट टू थिंग्स डिड द ओल्ड मैन डू तो ऐसी कौन सी दो चीजें थी जो उस ओल्ड मैन ने की तो पहली took some water in a vessel एक बर्तन में उन्होंने पानी लिया और फिर recited मंत्र मंत्रों का उच्चारण किया ओके okay? फिर why was everyone sad and silent क्यों सब कोई दुखी था चुप था शांत था सो एवरी वन वॉज सैड एंड साइलेंट बिकॉज दे था राजा हैड बिन बिटन बाई अ स्नेक एंड हिज लाइफ वॉज इन डेंजर तो सबको लगा कि राजा को एक सांप ने काटा हुआ है और उसकी जो जिंदगी है वो खतरे में है चलो सो वाई डिड राज ग्रैंड फादर सेंड गिफ्ट ओल्ड मैन अब राजा के ग्रैंड फादर ने जो ओल्ड मैन थे उन्हें गिफ्ट क्यों दिया सो ग्रैंड फादर सेंड गिफ्ट ओल्ड मैन एज अ रिवॉर्ड एज अ रिवॉर्ड का मतलब कि उन्होंने राजा को बचा लिया है है ना तो इसीलिए उन्होंने उनको गिफ्ट भेजा ठीक है सो डू यू थिंक द ओल्ड मैन क्योर राजा सो क्या आपको लगता है कि वो जो ओल्ड मैन वो जो बूढ़े आदमी थे उन्होंने राजा को बचाया सो आंसर इज नो क्योंकि वो इलाज वो ढोंगी थे राइट right? ढोंगी बाबा थे उन्होंने जो इलाज किया वो टेक्निकली उसको सांप ने काटा ही नहीं था उसको एक मधुमक्खी ने काटा था तो इलाज ही उन्होंने गलत किया इलाज किया ही नहीं कुछ वो ढोंगी थे

सो इफ यू वर राजा वुड यू कीप क्वाइट लाइक हिम अब देखो ये आंसर आप सबको करना है ठीक है ये आप सब आंसर करोगे कि अगर आप राजा की जगह होते तो आप भी क्या शांत बैठे रहते हैं तो अगर मेरे हिसाब से आप पूछो तो आंसर विल बी नो या फिर शायद शुरू में हम शांत रहते ठीक है शुरू में शायद मैं अगर राजा की जगह होती तो मैं शुरू में शांत रहती चलो ठीक है देखते हैं कि क्या करता है ये इलाज ओके बट एट द एंड मैं उसके बाद से उसको एक्सपोज करती कि नहीं इसने गलत इलाज किया ये डूंगी है मुझे हनी बी ने नहीं काटा था आ, मुझे सांप ने नहीं काटा था मुझे हनी बी ने काटा था ये इसने इलाज ही गलत किया है आप इसको रिवॉर्ड नहीं दो गलत है ये राइट तो चलो ये आप सबके ऊपर है आप क्या करते तो आप सब मुझे आंसर देना कि आप क्या करते ओके सो ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं सो द ओल्ड मैन गेव राजा मेडिसिन टू क्योर हिम No, he didn't. Medicine क्या दिया कुछ नहीं दिया मंत्रों का उच्चारण ही चल रहा था उनका एब्सोल्यूटली फॉल्स तो ओनली राजा न्यू दैट ही स्नेक यस राजा को ही सिर्फ पता था दैट्स ट्रू किसी और को नहीं पता था देन राजा ग्रैंड फादर डिड नॉट गिव राजा चांस टू टेल वॉट है एकदम टाइटली हेल्ड किया था कि चुपचाप बैठे रहो देन एज ए टाइम पास द पेन इन राजा फिंगर स्टॉप येस जैसे जैसे टाइम बीता राजा के जो उंगलियों में दर्द था वो रुक गया था बंद हो गया था दैट ऑल्सो ट्रू आई होप दिस मच क्लियर टू यू ये चैटर इंटरेस्टिंग लगा आपको सो so, अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन जस्ट स्टे सेफ स्टे एट यूर होम स्टडी वेल एंड फॉर एनी अदर इंक्वायरी जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर और विजिट दैबसाइट थैंक यू